वालेकुम, मैं आप लोगों के पास एक नए व्लॉग के साथ। इसमें हम लोग जा रहे हैं, एक हमारा दोस्त है, उसकी शादी है, तो उसकी शादी में जा रहे हैं। उसकी शादी का आपको व्लॉग दिखाते हैं, यहाँ जाकर वो पठानों वाली, मतलब पठानों वाली शादी भी दिखाएंगे। तो चलते हैं व्लॉग में और स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जाना है खाने पर, हम खाने के लिए बेताब हो। मुझे भी तक भूख लग रही है यार, दोनों जाएंगे, भूख टाइम खाना है। हाँ एक साथ है भाई, तो आप क्या चाहते हो, जल्दी से खाने भी जाएँ हम लोग? नहीं जाए, जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे। बहुत सब भूख लगी, कितने दिन से खाना नहीं खाया आपने? दोपहर को नहीं खाया, दो तीन दिन का, दो तीन दिन खाना नहीं खाऊंगा। मैं समझा आप शायद दो तीन दिन से खाना नहीं खाया। तो खाने में क्या चीज़ है, क्या बोलते हो, खाने में क्या होगा आज? रोश होगा हमारे, चावल होंगे। तो आप क्या चीज़ खाओगे? रोश खाऊंगा। चावल नहीं खाओगे? चावल भी खाऊंगा, दोनों चीज़ें। ये कुदरत भी आए हैं, पापा भी इधर ही बैठे हैं, और ये सारे माशाल्लाह से बहुत सारे लोग हैं। तो वो आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं खाना सबका, और माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि कितने बहुत लोग हैं, कितने बहुत। आ गया हम लोगों का खाना, और अभी हम लोग खाने खाना, अनवर भाई खाने पे टूट पड़े हुए, और अभी हम लोग भी खाना खा रहे हैं। तो इनकी शादी जो होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह इसमें हर दो दो बंदों के लिए अलग अलग खाना आता है, चावल, रोश, और ये बोतल आ गई, पानी आ गया, और ये सारी चीज़ें आ गई। और ये अनवर भाई खाने पर टूट पड़े हैं, और हम भी खाना खा रहे हैं। रश बहुत है, तो थोड़ा आराम आराम से ब्लॉग बना रहा हूँ, ये वो ना। भाई खाना मजेदार है, आपने तो खा लिया, अभी किसकी खीर की बारी आ रही है, अभी खीर खानी है। चावल भाई बोलते मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया, ये बोलते मैंने दो दिन से खाना नहीं खाया। तो और किस चीज़ के लिए? कैसी है खीर, अच्छी है? नहीं जबरदस्त, जबरदस्त है, मज़ा आ रहा है। साथ वाली की प्लेट भी उठा के खाना खाने पे स्टार्ट हो गए। आपकी रसियत बता दी आपने कि दो दिन जो इनका खाना नहीं गए। आपने अपने लिए बोतल भी मंगवाई है, अभी बस करो यार, एक दो दो बोतलें आपने पी थी। अंदर हो, अपने एक दो बोतल पिए, वो तीसरी बोतल आपकी पड़ी हुई है, चौथी बोतल फिर पी रहे हो यार, क्या कर रहे हो? और भी पेट भर गया आपका? नहीं अभी तक नहीं भरे, तो बुरी बात में और पिछा सकता क्या कहानी है। इनकी शादी है, ये है, ये है, इन दोनों की मंगनी हुई है, और एक वो जो पीछे सनावला खड़ा हुआ है, ये वाइट शर्ट वाला, इसकी मंगनी हुई है, और जो शादी हुई है वो ये इसकी शादी हुई है, जिससे ये सारे मिल रहे हैं, इसकी शादी हुई है, और हम लोग सारे खाने पीने वाले हैं, ये जितने सारे खाने पीने वाले। ये जो पठान होते हैं ज़्यादातर ये रोश वगैरह ही वो करते हैं, ज़्यादातर ये लोग रोश ही रखते हैं कि रोश वगैरह ही खाएँ, और रोश और चावल होते हैं इनके, और लेडीज़ कम और जेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा जेंट्स, सारे आप लोग जेंट्स देख सकते हैं, अभी तो बहुत कम हो गए, सारे चले गए। तो अभी हम लोग भी अपनी रवानगी करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। कहते हैं जानिए कि क्या कह रही है, बस यहाँ से आते हैं बाहर, और यहाँ पे सारी आवाम खड़ी, हम लोग चलते हैं घर की तरफ, दुकान की तरफ। बस अभी हम लोग आ गए अपनी दुकान, और ये दुकान के बाहर राहिल भाई भी बैठे हैं, बस दुकान के बाहर चलते हैं। राहिल भाई अपने बच्चे के साथ है यार, राहिल भाई आते थे जबरदस्त था खाना, क्या बताओ। ओ ऐसे आए, करोड़ ऐसे ही बंद रहता है, ऐसे ही बिल्कुल बंद रहता है, सारा रोड बंद है। भाई भी हैं, और इनका बच्चा भी, इनका बच्चा थोड़ा बीमार था, अभी आप लोगों को पिलाते हैं पानी, और अब हम लोग चलते हैं दुकान के अंदर। और पेट भर गया ना आपका? दो दवा बोतल, कोई चार बोतलें पी आपने यार, अभी दो खीर खाई है। बहुत अच्छा था यार, अगर आप आते थे बड़ा मज़ा आता था। राइट
अनवर भाई ने तो टाइट खाया, पापा ने भी टाइट खाया, तो मिलते हैं आप लोगों को कल किसी नए ब्लॉग में। तब तक अपना रखिएगा ख्याल। मिनी ब्लॉग तो इतना ही खत्म करते हैं, पठानों शादियाँ ऐसे भी, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।